दोस्तों ये ब्लिंक जो हो रही है ये ज़्यादा रोशनी के कारण हो रही है। अगर मैं इसे थोड़ा दूर कर दूँ तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो इस एलईडी लाइट को बनाने के लिए हमें कुछ पीवीसी शीट चाहिए जो कि मैंने ले लिया है। हमें डीओ भी लाइट लेना है। ये दोस्तों 15 वाट का डीओ भी प्लेट है, ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 20 रुपये में मिला है। और एक हीट सिंक हमें चाहिए और वायर, ये मैंने ख़राब सोल्डरिंग आयरन से निकाला है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर हमें कुछ होल कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। और ये जब हीट हो जाएगा तो इसका हीट बाहर निकल सके, इसीलिए मैंने इस होल को किया है। उसके बाद दोस्तों हमें साइड का पीस को चिपका लेना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। साइड के पीस को लगा दिया है, तो इस पीस को हमें बाद में लगाना है, अभी इसको रख देना है। उसके बाद दोस्तों डीओ भी प्लेट को हिसिंग के ऊपर चिपका लेना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें वायर को लेना है, यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे भी हमें कनेक्ट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। कनेक्शन हमारी हो चुकी है और इसमें कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लगाना पड़ता है, तो इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। डायरेक्ट आप कोई सा भी वायर किधर भी लगा दो ये जलेगी। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर चिपका लेना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक वायर को कट कर लिया है। हमें यहाँ पर एक स्विच भी लगाना है, तो जल्दी से लगा लेते हैं। जो मैंने पीवीसी शीट रखा था उसमें मैंने दो कट लगा दिया है, एक स्विच के लिए और एक वायर के लिए, तो जल्दी से इसे भी फिट कर लेते हैं। इसे मैंने पावर दे दिया है, तो इसका स्विच ऑन करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से ये दब रही थी ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत पतला वाला पीवीसी शीट यूज किया है। आप अगर बना रहे हो तो 2 mm वाला पीवीसी शीट यूज करना, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीवीसी शीट का पीस लगा दिया है जिससे कि ये दबे ना। उसके बाद दोस्तों हमें वाइंडिंग पेपर लेना है और इसके ऊपर चिपका देना है, तो जल्दी से चिपका लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमें रख के इसके ऊपर फेविक्विक मार देना है साइड में।
उसके बाद दोस्तों इसका एक्स्ट्रा पीस को हमें कट कर देना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। दोस्तों ये रेडी हो चुकी है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे मैं ऑन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों ये ब्लिंक जो हो रही है ये ज़्यादा रोशनी के कारण हो रही है। अगर मैं इसे थोड़ा दूर कर दूँ तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही मैं पास लाऊंगा फिर से ब्लिंक करेगी। अगर कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा लाइट आप मारोगे तो इसी टाइप से ब्लिंक करेगी, अगर आप दूर कर दोगे तो ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। ये लाइट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।